हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट की शुरुआत साल 1975 में हुए वर्ल्ड कप के साथ हुई थी। तब से लेकर अब तक वनडे क्रिकेट के इतिहास को लगभग 45 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, वनडे क्रिकेट के इतिहास में हमने एक से बढ़कर एक बेहतरीन बल्लेबाज देखे, जिन्होंने अपने आक्रामक खेल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। चाहे वह टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हो, ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हो, या फिर न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन मैककुलम हो। दोस्तों, इसी को देखते हुए आज हम मेरी इस वीडियो के जरिए बात करेंगे विश्व क्रिकेट के उस इकलौते बल्लेबाज के बारे में, जिसने एक वनडे मैच में 52 रनों की पारी के दौरान 13 चौके लगा दिए थे। इस दौरान इस बल्लेबाज ने एक भी रन भागकर नहीं लिया, बल्कि अपने पूरे 52 रन सिर्फ चौकों की सहायता से ही पूरे किए थे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सा है यह बेहतरीन बल्लेबाज। दोस्तों, यह मैच साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से उनके ऑलराउंडर बल्लेबाज लांस क्लूजनर को कप्तान हेंसी क्नोरी ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। लांस क्लूजनर ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। इस मैच में लांस क्लूजनर ने मात्र 32 गेंदों पर 52 रन ठोक दिए थे। मजे की बात तो यह थी कि लांस क्लूजनर ने अपनी इस पारी के दौरान सारे रन चौकों की सहायता से ही बनाए थे। लांस क्लूजनर को छोड़कर विश्व का कोई भी अन्य बल्लेबाज ऐसा अनोखा कारनामा नहीं कर पाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।